फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्लासेस में। फ्रेंड्स, यह जो कि आज का क्लास है बल व गति पर। फ्रेंड्स, बल व गति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज आप लोग करोगे, साथ के साथ आप लोग उसके फैक्टर भी जानोगे, जितने भी फैक्टर उससे रिलेट करते हुए होंगे। यानी वीडियो के लास्ट तक आप लोग बल व गति से रिलेट करता हुआ हर एक चीज़ जान जाओगे, जो एक स्टूडेंट्स के लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए आप लोग आज का क्वेश्चंस करिए। फ्रेंड्स, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, यानी उसको भी चोट लगती है जब कोई व्यक्ति किसी भी चट्टान पर यानी पत्थर पर वार करता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन, प्रतिक्रिया। फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो साथियों, तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण साथियों व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए भी चोटिल हो जाता है, यानी उसको भी चोट लगती है प्रतिक्रिया के कारण। यानी जितना जो कि बल वो लगाएगा चट्टान पर, उतना चट्टान द्वारा भी उस पर बल लगाया जाएगा, यानी प्रतिक्रिया के कारण उसको भी चोट लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो स्किप ना कीजिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वही केवल लाया गया है। जैसे फ्रेंड दूसरा क्वेश्चंस देखिए। एक समान गति के साथ एक वस्तु, फ्रेंड्स एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है? फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बी ऑप्शन, त्वरित हो सकती है। फ्रेंड्स, त्वरित क्या चीज़ है? तो साथियों, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, यानी कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसका वेग नियत होगा, यानी नियत मतलब कांस्टेंट होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है जब उसका वेग कांस्टेंट होगा, जिसे एक समान त्वरित गति यानी यूनिफॉर्म एसीलरेटेड मोशंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप निश्चिंत रूप से उसमें कमेंट्स कर सकते हो। अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? अरे साथियों, आभासी बल वही होती है जो कपड़ा सुखाने की मशीन जिस पर कार्य करती है, और साथियों दूध से मक्खन निकालने की मशीन जिस पर कार्य करती है, वही एक्चुअली आभासी जो कि बल है। फ्रेंड्स, अब केंद्रीय बल को ही आभासी बल कहा जाता है। सी ऑप्शंस राइट आंसर है। अरे साहब, अब आप लोग कहोगे अब केंद्रीय बल क्या है? तो साथियों, किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काल्पनिक यानी आभासी बल है, जिसका दिशा अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के विपरीत दिशा में होता है। फ्रेंड्स, कपड़ा सुखाने वाला मशीन यानी, और फ्रेंड्स दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन आदि अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, यानी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, जड़त्व के नियम। फ्रेंड्स,
अब आपके मन में सवाल होता होगा कि जड़त्व तो क्या चीज है। अरे साथियों, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व तो का ही नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया कर जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी स्थिति में कभी वो परिवर्तित नहीं होती जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, और यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यही नियम न्यूटन का पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम यानी डी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस राइट आंसर है। अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ, रुख करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चंस है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। फ्रेंड्स जब कोई साइकिल चालक मतलब वृत्तीय गति करता है तभी तो साइकिल चालक है। फ्रेंड्स सर्कुलर मोशंस करता है साइकिल चालक, तो केंद्र की ओर जब वो जो कि झुकना चाहिए उसको, तभी उसका बैलेंस बराबर रहेगा। यानी सी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चंस में एनी डाउट हो, कमेंट बॉक्स साथियों खुला है, आप लोग बिल्कुल बेझिझक जाकर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका डाउट दूर हो जाए। फ्रेंड्स जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर यानी सर्कुलर जो कि पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, रुक करते हैं। फ्रेंड्स वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। फ्रेंड्स किसका उदाहरण है? अरे साथियों, इसका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा, एक समान गति और चर वेग, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है ना, तो उसकी गति की ओर वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी तो उसकी गति की वृत्तीय गति कहते हैं। यानी उस जो गति कर रहा है उसे ही सर्कुलर मोशंस कहते हैं जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। तो वृत्तीय गति के समान वस्तु की दिशा सदैव बदल रहती है। तो फ्रेंड्स तथा वह वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु में से एक निश्चित दूरी पर रहती है। फ्रेंड्स किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चंस में एनी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिएगा, अच्छा लगे तो एक अच्छी कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा। अब आज ये फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं। फ्रेंड्स आठवां नंबर का क्वेश्चंस है, आठवें नंबर का क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, यानी नाव के भार के बराबर होगा। फ्रेंड्स एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स आज ये इसके मतलब जानिए आप लोग। पहले जब एक नाव यानी अथवा कोई भी वस्तु किसी तरल फ्लूड में तैरती है तो उस पर एक तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावक बल बॉयंट्स फोर्स लगाया जाता है। आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल से पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। यानी इसमें
आर्कमिडीज का सिद्धांत लागू होगा। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। फ्रेंड्स सभी मूल आधारित बलों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, यानी इन चारों बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर बल है। तो यही क्वेश्चंस का राइट आंसर्स क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर्स हो जाएगा ए ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल। फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है और अगर बात करें सबसे मजबूत सर्वाधिक शक्तिशाली बल का, प्रबल शक्तिशाली बल का, तो फ्रेंड्स सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल। आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में एक सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग क्या है। अरे साथियों यदि जो कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में एक सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है। तो आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन शून्य। क्यों इसका वजह आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि साथियों वृत्ति गति में विस्थापन शून्य होती है। अब ये क्या चीज़ है, तो साथियों वृत्ति गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए शून्य होगा, क्योंकि वृत्ति गति में विस्थापन शून्य होता है। अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। नहीं समझ में आए तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अगले दिन और कोशिश किया जाएगा कि और भी आपको एक्सप्लेन किया जाए हर एक क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल का पथ कहलाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रक्षेप वर्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वक्र, प्रक्षेप वक्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब आपको मालूम होना चाहिए प्रक्षेप क्या है। फ्रेंड्स प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। यानी क्या है, जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा यानी अंतरिक्ष में फेंका जाता है। किसे, प्रोजेक्टाइल वस्तु। यानी प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है जिसे प्रक्षेप वक्र यानी प्रोजेक्टाइल कर्व कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। फ्रेंड्स रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग भी है। तो रेल की गति किस प्रकार के गति का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन रूपांतरित गति। अब ये रूपांतरित गति क्या है, अरे साथियों रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वास्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करती हैं। रूपांतरित गति साथियों दो प्रकार का होता है, एक्चुअली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है, सरल रेखीय गति, और सेकंड है वक्रीय गति। अब सरल रेखीय गति क्या है साथियों, सरल रेखीय जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, और जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो उसे जो कि वक्री गति कहते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 13वें नंबर के क्वेश्चंस पर। साथियों यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो फ्रेंड्स उस क्वेश्चंस का राइट आंसर इसका है सी ऑप्शंस, यानी
इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार यानी गोलाकार पथ पर गतिशील है तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है, यानी जब यहाँ पहुँचेगा तो कुछ और, तो यानी हमेशा उसका जो कि वेग परिवर्तित होता रहता है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को और रुक करते हैं। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। साथियों, आपने तोप देखा होगा, उससे एक गोला दागा जाता है। जब फ्रेंड्स आप लोग यदि CISF या दिल्ली पुलिस या कोई भी ट्रेनिंग में जाओगे तो आपके सामने तोप रखा होगा या आप लोग तोप तब देख पाओगे। फ्रेंड्स, उसमें तोप में गोला दागा जाता है, तो गोले की गति है, कौन सी गति है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होना चाहिए 14 वाले का बी ऑप्शन राइट आंसर है, प्रक्षेप गति। अब आपको मालूम होना चाहिए प्रक्षेप गति क्या है। तो फ्रेंड्स, तोप के गोले की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। फ्रेंड्स, प्रक्षेप गति से में वस्तु परवलयाकार पथ का जो कि अनुगमन अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होती है, यानी दिख जाता है परवलयाकार पथ। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 15वें नंबर की क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, टोटल 19 क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, आज आप लोग जो कि बल व गति से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कवर कर लोगे और उसके साथ साथ फैक्टर भी जान लोगे। आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस की ओर रुक करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया। फ्रेंड्स, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शंस। हमने पहले भी बता चुका है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फ्रेंड्स, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिमाण वाले होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। फ्रेंड्स, आप लोग के सामने वॉशिंग मशीन होगा या आप लोग वॉशिंग मशीन देखे होंगे। फ्रेंड्स, वह जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। फ्रेंड्स, ए ऑप्शंस अपकेंद्रणी बल, यानी फ्रेंड्स जब अपकेंद्रण या अविकेंद्रण में पहले आप लोग डिफरेंसेस समझिए। अविकेंद्रण मतलब किसी केंद्र के अंदर की ओर, अपकेंद्रणी मतलब किसी केंद्र के बाहर की ओर। यानी फ्रेंड्स, ये जो कि केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है वॉशिंग मशीन का सिद्धांत, वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अभिकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, 18वां क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाता है, गर्मियों में लोलक घड़ियां जो कि। फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शंस है। साथियों, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप लोलक घड़ियां गर्मियों में जो कि स्लो हो जाती हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी पर पलायन वेग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किमी प्रति सेकेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शंस। फ्रेंड्स, यहां समझिएगा थोड़ी सी बात आप लोग। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2
किमी प्रति सेकेंड्स है। फ्रेंड्स पलायन वेग क्या है? फ्रेंड्स पलायन वेग वह वेग है जो न्यूनतम वेग है जिसे यदि किसी पिंड की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र के पार कर जाती है और तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती और इसी को कहते हैं पलायन वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। तो साथियों आज का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लासेस में आपको अन्य टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग बने रहिए, हर रोज या जनरल साइंस की क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आती रहेगी और हर एक अलग अलग टॉपिक पर आएगी। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पर हैं कि नहीं नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि हमें भी पता चल सके। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा शेयर ताकि विभिन्न दोस्तों को पता चल सके। फिर मिलेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।